that what are the precautions that you should keep in mind while you are using the secondary data? This is the question, right? Okay. What are the precautions you should use keep in your mind while you are using द सेकेंडरी डेटा? जब आप सेकेंडरी डेटा का यूज कर रहे हैं तो किन किन प्रिकॉशंस का इस्तेमाल जो है आपने करना है जब आप उस डेटा का यूज करेंगे? ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सो अ केयरफुल स्क्रूटनी मस्ट बी मेड बिफोर यूजिंग पब्लिश डेटा। ठीक है, सेकेंडरी डेटा का क्या मतलब है? ऐसा डेटा जो कि ऑलरेडी यूज में है। प्राइमरी डेटा जो होता है वो एकदम रॉ डेटा होता है, उसका कोई यूज नहीं होता। जब आप उसको प्रोसेस करोगे, एक इंफॉर्मेशन निकलेगा, उससे एक टेबल बनाओगे, उस डेटा को हम लोग क्या बोलेंगे? सेकेंडरी डेटा, है ना, क्योंकि उसका वन टाइम यूज हो गया। जैसे हम लोग अगर गूगल पे कुछ सर्च करते हैं, हम लोग को ये पता करना है कि इंडिया का पॉपुलेशन राइट नाउ कितना है, तो हम लोग जो लास्ट टाइम जो सेंसस हुआ था उसको चेक करेंगे। वो जो सेंसस है वो क्या है? सेकेंडरी डेटा हो गया है, वो प्राइमरी डेटा नहीं है, क्योंकि वो अभी नहीं हुआ, वो पहले हुआ है। ऑलरेडी पब्लिश डेटा को हम लोग सेकेंडरी डेटा बोलेंगे। तो जब भी आप सेकेंडरी डेटा को पब्लिश कर रहे हैं या उस पब्लिश डेटा को जब भी आप यूज करने के बारे में सोच रहे हैं, तो उसको स्क्रूटनी करना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको अच्छे तरीके से चेक करना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। द यूजर शुड बी एक्स्ट्रा कॉशियस इन यूजिंग सेकेंडरी डेटा एंड ही शुड बी एंड ही शुड नॉट एक्सेप्ट इट एट इट्स फेस वैल्यू, है ना। तो जो यूजर होता है, जो भी उस डेटा का यूज करने वाला है, उसको बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है कि जो भी सेकेंडरी डेटा को वो यूज करने वाला है वो सही हो, एक्यूरेट हो। सिर्फ उसका चेहरा, जो उसका फेस वैल्यू है, सिर्फ उसको देख करके आप ये नहीं मान सकते कि जो डेटा है वो सही होगा। एक प्रॉपर स्क्रूटनी आपको वहां पे करना होगा। कृष्णा कुछ कह रहे हैं क्या? नहीं, सुन ओके ओके। द रीजन मे बी दैट सच डेटा इज फुल ऑफ एरर्स बिकॉज ऑफ बायस, इनएडिक्वेट सैंपल साइज, एरर्स ऑफ डेफिनेशन एंड कंप्यूटेशनल एरर्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पे कुछ रीजंस बताए गए हैं जिसकी वजह से आपको जो है स्क्रूटनी करना जरूरी है। रीजंस क्या है? इनएडिक्वेट सैंपल साइज, हो सकता है कि जो सैंपल साइज हो वो इनएडिक्वेट हो। अगर आपको पूरे इंडिया का सर्वे करना है और उसके जगह पे अगर आप पूरे इंडिया, सपोज आपको ये टास्क मिला है कि आपको पूरे इंडिया का सर्वे करना है, लेकिन जो डेटा है वो 3 या 4 स्टेट के ही डेटा को वहां पे पब्लिश किया गया है, तो वो डेटा क्या होगा? वो डेटा आपके लिए बिल्कुल सही नहीं होगा। वो डेटा एक एक तो इनएडिक्वेट डेटा है, इफिशियंट इफेक्टिव डेटा नहीं है, इफिशियंट डेटा नहीं है, बिकॉज दैट इज जस्ट कवरिंग द 4 स्टेट्स, बट यू नीड टू कवर ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया, राइट? ऑल द इफ यू स्टेट ऑफ हैव इंडिया। गिवन अ टास्क ऑफ समथिंग लाइक दैट कि आपको जो है पूरे के पूरे स्टेट्स को कवर करना होगा, उसके बेसिस पे आपको रिसर्च करना है, वहां पे जो पब्लिश डेटा है पिछले 3 4 स्टेट्स का, आप उनको तो यूज नहीं कर सकते, है ना। कई बार क्या होता है कि डेटा बायस होता है, किसी एक चीज की तरफ उसका झुकाव जो है ज्यादा होता है, तो उस केस में भी डेटा जो है वो यूजफुल नहीं होगा, राइट? एरर्स हो सकते हैं डेफिनेशन में, कंप्यूटेशनल एरर्स हो सकते हैं, हो सकता है कि कैलकुलेशन में किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, है ना। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलते हैं। तो जब भी आप किसी इंफॉर्मेशन का यूज कर रहे हैं सेकेंडरी डेटा का, तो उसको ठीक तरीके से स्क्रूटनी करना काफी ज्यादा जरूरी है। देयरफॉर बिफोर यूजिंग सच डेटा द फॉलोइंग एस्पेक्ट शुड बी कंसिडर्ड। जब आप इन डेटा को यूज करेंगे तो आपको इन सब चीजों के बारे में ध्यान देना होगा। सबसे पहला कौन सा चीज है? सुटेबिलिटी। जो डेटा है वो आपके लिए सुटेबल है या नहीं है। जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था इंडिया वाला, कि पूरे इंडिया में अगर आपको किसी चीज की पता लगाना है, तो उसका पता आप 3 4 स्टेट को सर्वे करके तो नहीं लगा सकते, आपको पूरे इंडिया को ही सर्वे करना होगा, है ना। तो जो डेटा है वो सुटेबल होना चाहिए, बिल्कुल आपके लिए सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ और पूछ रहे हैं और डेटा किसी और चीज का है, वो किसी काम का नहीं है। सो द इन्वेस्टिगेटर मस्ट इंश्योर द बिल्कुल डेटा अवेलेबल इज सुटेबल फॉर द पर्पस ऑफ द इंक्वायरी ऑन हैंड। आपके हाथ में जो इंक्वायरी है, जो आपको इंक्वायरी करने के लिए दिया गया है, जब आप उस डेटा को चेक कर रहे हैं, वो डेटा अगर आपके लिए सुटेबल नहीं होगा तो उसका कोई यूज नहीं हो पाएगा। तो जो डेटा है वो सही होना चाहिए, आपके लिए यूजफुल होना चाहिए। द सुटेबिलिटी ऑफ डेटा बिल्कुल मे बी जज्ड बाई कंपेयरिंग द नेचर एंड स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जो सुटेबिलिटी है डेटा का, उसको आप जज कर सकते हो बाई कंपेयरिंग द नेचर। डेटा का जो नेचर है, किस बेसिस पे डेटा को इकट्ठा किया गया है, वही उसका नेचर होता है, तो उसके बेसिस पे आप डेटा को कंपेयर कर सकते हो और जज कर सकते हो कि डेटा आपके लिए सुटेबल है या नहीं है, है ना। सुटेबिलिटी है। बिल्कुल दूसरा है रिलायबिलिटी। जो डेटा है वो रिलायबल होना चाहिए। रिलायबल तभी होगा जब डेटा एक्यूरेट होगा, सही होगा। जो सोर्स है जहां से उस डेटा को इकट्ठा किया गया है वो सही होगा। जैसे कि हम लोग न्यूज़पेपर में बहुत सारा न्यूज पढ़ते हैं, टीवी टीवी में बहुत सारा न्यूज वगैरह देखते हैं, तो सारा न्यूज जो है वो सही नहीं होता। गूगल में भी जो सारी चीजें हम लोग देखते हैं, वो सारी चीजें सही हो ऐसा जरूरी नहीं है। फेक न्यूज बहुत आजकल फैल रहा है। तो डेटा रिलायबल तभी होगा जब डेटा सही होगा, एक्यूरेट होगा, और डेटा सही सोर्स से लिया जाएगा।
है ना, कोई अच्छे वेबसाइट सही वाला सर, जो अच्छे क्रॉस चेक करता है, क्रॉस वेरीफाई करता है, वहां से लिया जाएगा। तो रिलायबल होना बहुत जरूरी है। इट इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस टू डिटरमाइन हाउ रिलायबल इज द डेटा फ्रॉम सेकेंडरी सोर्स एंड हाउ कॉन्फिडेंटली कैन बी यूज इट, है ना। तो डेटा है वो कितना रिलायबल है और कितना कॉन्फिडेंस के साथ आप उस डेटा को यूज कर सकते हैं, ये उसके डेटा के रिलायबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। सपोज कोई डेटा जो है वो ऑक्सफोर्ड का है बिल्कुल या टाइम्स का है, टाइम्स मैगजीन का कोई डेटा है, पुराना डेटा है बट एक अच्छे सोर्स का है, तो डेफिनेटली आप उसका इस्तेमाल कहीं भी कर सकते हैं। और जब आप उस डेटा का यूज करेंगे तो आप नीचे में नोट भी बिल्कुल दे सकते हैं कि आपने उस डेटा को वहां से लिया है। जनरली ऐसा किया जाता वहां है, से लिया, बिब्लियोग्राफी डाला जाता है ना, तो वो आप करेंगे। विकिपीडिया वगैरह भी हाँ राइट, है जो भी ना। इंफॉर्मेशन आप कहीं से भी ले रहे हो उसका बिब्लियोग्राफी भी डाला जाता है, ठीक है ना, क्योंकि कई बार आपसे पूछा जाएगा कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन आपने कहाँ से निकाला, तो आपको तो लिखना पड़ेगा ना, तो वो लिखा जाता है। तो जो डेटा है वो बिल्कुल रिलायबल होना चाहिए, वो बात यहाँ पे बोली गई है। इन असेसिंग द रिलायबिलिटी इट इज इम्पॉर्टेंट टू नो वेदर द कलेक्टिंग एजेंसी इज अनबायस्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो वो बात बोली गई है कि जब आप डेटा को एसेस कर रहे हैं तो आपको ये समझना जरूरी है कि जो जिस एजेंसी ने उस डेटा को बनाया है, क्या वो एजेंसी किसी चीज को लेकर के बायस है। अगर वो बायस होगा तो प्रॉब्लम है, अगर अनबायस है तो ठीक है। वेदर इट हैज अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, क्या उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव सैंपल है, तो डेटा वेदर हैज बीन प्रॉपरली एनालाइज एंड सो ऑन, तो डेटा है उसको प्रॉपरली एनालाइज किया गया है कि नहीं। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके मन में आएंगे जब आप किसी भी डेटा के रिलायबिलिटी के ऊपर सवाल उठाएंगे, तो ठीक है ना। तो दूसरा पॉइंट सवाल ये हो उठाएंगे। गया, जब भी आप सेकेंडरी डेटा का यूज करें तो सूटेबिलिटी और रिलायबिलिटी, इन दो चीजों का आपको ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट है एडिक्वेसी, तीन ही पॉइंट है एक्चुअली, ज्यादा नहीं है। बिल्कुल एडिक्वेसी में क्या होगा कि डेटा आपके लिए हाँ हाँ एडिक्वेट है या नहीं है। 140 करोड़ का अगर आपके ऊपर रिसर्च करना है, पूरे इंडिया के बारे में अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, किसी पैटर्न के बारे में आपको पता करना है, तो वहां पे अगर सिर्फ आप 10 करोड़ या 20 करोड़ लोगों का रिसर्च करेंगे तो उसे पता नहीं चलेगा। आपको पूरे इंडिया में अच्छे तरीके से रिसर्च अपना पूरा प्रॉपर जो है करना पड़ेगा, ताकि जो डेटा है वो एडिक्वेट हो और जो बिल्कुल इन्फॉर्मेशन है वो भी सही निकल करके आए। डेटा का एडिक्वेट होना बहुत जरूरी है। तो एडिक्वेसी इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। डेटा फ्रॉम सेकेंडरी सोर्स मे बी अवेलेबल बट इट्स स्कोप मे बी लिमिटेड। जो डेटा है सेकेंडरी सोर्स का वो अवेलेबल तो होता ही है, वेबसाइट पे कहीं ना कहीं से आपको मिल जाएगा, बट हो सकता है कि उसका जो स्कोप हो वो लिमिटेड हो, हर जगह पर उस डेटा का आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि डेटा एडिक्वेट होगा ही नहीं, है ना, ये बात। एंड देयर फॉर दिस मे नॉट सर्व द हाँ पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। द डेटा मे कवर ओनली अ पार्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन और मे परटेन टू अ डिफरेंट टाइम पीरियड, है ना। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो डेटा है वो किसी एक पर्टिकुलर चीज का आंसर आपको मिल जा रहा है, लेकिन ओवरऑल सब कुछ उससे आपको पता चल जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है, है ना। और हो सकता है कि जो डेटा वो किसी और बिल्कुल टाइम पीरियड का हो, तो वो भी डेटा एडिक्वेट आपका नहीं होगा। अगर आप 50 साल का जनसंख्या पहले का आप अभी के साथ कंपेयर करेंगे तो वो एडिक्वेट डेटा नहीं है, डेटा नहीं ठीक है है, बिल्कुल वो बात है। किसी और पीरियड का डेटा, एकदम पुराना पीरियड भी नहीं चलेगा। ओनली इफ द इन्वेस्टिगेटर इज फुल्ली सेटिस्फाइड, अगर इन्वेस्टिगेटर पूरी तरह से सेटिस्फाइड है ऑन ऑल द अबव मेंशन पॉइंट्स, वो अगर पूरी तरह से सेटिस्फाइड है कि जो तीन पॉइंट्स हम लोगों ने भी किए हैं इसके बेसिस पे जो सेकेंडरी डेटा है वो सही है, खरा सही खरा उतरा है, तो उस केस में आप उस सेकेंडरी डेटा का यूज अपने रिसर्च में, अपने प्रोजेक्ट वर्क में कर सकते हैं। ही शुड प्रोसीड विद दिस डेटा एज अ बिल्कुल स्ट्रेट पॉइंट फॉर फर्दर एनालिसिस, ठीक है। सो दैट्स इट, ज्यादा लंबा नहीं कराता, 10 बज गया है, एंड पीडीएफ तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को हाँ दे दिया है, सर इसको स्टडी करते रहिए और कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइए। अगले क्लास में हम लोग किसी और सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। एनी क्वेश्चन किशन? ठीक नो नो सर, थैंक यू सर, थैंक यू है सर, गुड ठीक, नाइट। ओके देन, हाँ गुड नाइट, गुड नाइट।